नमस्कार दोस्तों, रहस्य टिप चैनल में आपका स्वागत है। कोरोना वायरस निमोनिया बहती हुई नाक के बिना एक सूखी खांसी है। यह इसे पहचानने का सबसे सरल तरीका है। ये वायरस गर्मी प्रतिरोधी नहीं है और 26-27 डिग्री के वातावरण में मारा जाएगा। इसलिए वायरस से बचाव के लिए खूब गर्म पानी पिए। जब तक शरीर गर्मी बनाए रखता है तब तक की अधिक अदरक खाएं और अधिक व्यायाम करें, आप वायरस से संक्रमित नहीं होंगे। काली मिर्च खाने से इसे हल किया जा सकता है। मीठा खट्टा और नमकीन कम खाएं और ठंडे मौसम वाले क्षेत्रों में ना जाएं। सूरज के संपर्क में आने पर यह वायरस पूरी तरह से गायब हो जाएगा। हर कोई इसे साझा कर सकता है और एक एक करके मदद कर सकता है। आप भी इस छोटे से संदेश को फॉलो करें। इस समस्या को सख्ती से बरतते हुए स्कूल, कॉलेज, दफ्तर और वो हर भीड़ वाली जगह जहाँ पे संक्रमण फैलने की संभावना हो, भारत सरकार द्वारा छुट्टी दे दी गई है ताकि इन वायरस को फैलने से रोका जा सके। भारत के कुछ जगहों में इस वायरस से मौत होने का खबर आया है। आइए जानते हैं चीन के कुछ चौंका देने वाली घिनौनी सच्चाई के बारे में। चाइना दुनिया का सबसे आबादी वाला क्षेत्र है। चाइना में हर वो चीज जो आप दैनिक जीवन में उपयोग में लाते हैं उसे कॉपी करने में महारत हासिल है, चाहे कोई वो वस्तु हो या खाना। लेकिन आज हम आपको चीन के बारे में ऐसे बात बताएंगे जो शायद ही आपको पता हो, और वीडियो के लास्ट में ऐसे फैक्ट्स हैं जिन्हें सुनकर आप दंग रह जाएंगे। चीन को भी भारत की ही तरह प्राचीन सभ्यता वाला देश माना जाता है। जैसा कि भारत का मूल सिद्धांत है जियो और जीने दो, ऐसे ही चीन की सभ्यता अपने क्षेत्र को बढ़ाने के फिराक में रहती है। यही कारण है कि उसने पहले तिब्बत को हाथ में ले लिया, फिर भारत की नॉर्थ ईस्ट पर उसकी बुरी नजर है, अपने हर पड़ोसी देश से लड़ाई लड़ता है और छोटे छोटे देशों को डराते रहता है। चीन की आर्मी दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी है। अमेरिका के बाद सबसे अलग खर्चा चीन का ही रहता है, जो कि 13 लाख करोड़ के आसपास है। ट्रेनिंग के दौरान जवानों के कॉलर में पिन लगा दिया जाता है जिससे उनका सर ऊपर की ओर रहे और वो जवान डिसिप्लिन में रहे। यहाँ तक कि कुत्ते, बंदर, हंस तक को यहाँ ट्रेनिंग दी जाती है। चीन ने 10,000 कबूतरों को मैसेंजर ट्रेनिंग दी है ताकि मुसीबत की जगह में काम आ सके। चीन में आज भी लोग अंडरग्राउंड गुफाओं में रहते हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया की आबादी से भी ज्यादा है। ये ठंडी में गर्मी और सर्दी में गर्म रहती है। लोग कहते हैं कि यहाँ के प्रेसिडेंट कई दिनों तक इन गुफाओं में कई रात बिताए हैं। यहाँ की आबादी को देखते हुए केवल एक ही बच्चा पैदा करना जायज है, दूसरा बच्चा करना अपराध में शामिल हो जाता है। चीन की इस पॉलिसी से चीन की महिलाओं में भारी कमी आई है। इसके चलते चीन में कई लड़के आपको दीवारों पर टक्कर मारते नजर आएंगे जिनकी शादी नहीं हो रही है। दोस्तों, यहाँ का खाना तो आप बखूबी जानते ही होंगे। यहीं से कोरोना वायरस का जन्म हुआ। यहाँ हर साल डॉग फेस्टिवल मनाया जाता है। लगभग 1 करोड़ कुत्ते और बिल्लियों को मारकर खा लिया जाता है। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, यहाँ इंसान के रूप में भेड़िए रहते हैं। कुदरत का कहर दिख गया ना दोस्तों। चाइना की दीवार, आप में से कई लोगों ने यह बताया कि यह दीवार अंतरिक्ष से नहीं दिखती। कहते हैं कि यहाँ पे काम करने के दौरान बीमार हुए मजदूर को यहीं पे दफन कर दिया जाता था। इस दीवार को बनवाने में लगभग 3,000 मजदूरों की जाने गई। लगभग 20 लाख लोगों ने इस दीवार को बनाने में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। इसी कारण इस दीवार को दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान भी कहा जाता है। 29% वायु प्रदूषण चाइना में ही है। चीन की राजधानी बीजिंग में एक दिन तक सांस लेने में उतना ही खराब माना गया है जितना 40 सिगरेट पीने में होता है। यहाँ का पॉल्यूशन इतना गंदा है कि इसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। चीन ने इतने सीमेंट का इस्तेमाल किया जितना अमेरिका ने पूरे 20 सदी में नहीं किया। चीन में औसतन एक बड़ी इमारत बनाई जाती है जिसे पूरी तरह बादल टच करता है। चीन दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश है और इतने बड़े देश में लोगों की आपस में अनबन होती रहती है और उसी कारण लोग चाइना में खुदकुशी कर लेते हैं। पर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि नदी से भी लाशें निकालने की नौकरी मिल जाती है। दोस्तों, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ कितने सारे लोग आत्महत्या करते हैं। इंटरनेट की लत से परेशान लोगों के लिए एक कैंप भी बनाया गया है। और दोस्तों, वो दिन दूर नहीं है जब हमारे देश में भी ये कैंप लगने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जब हम बच्चे थे तो हमारे हाथ में दूध की बॉटल्स थी और एक छोटा सा गुनगुना, और आज के छोटे बच्चों के हाथों में मोबाइल फोन दे दिए जाते हैं जो कि काफी खतरनाक साबित हो सकता है। चीन में धोखाधड़ी के मामले में सीधे मौत के घाट उतार दिया जाता है यहाँ की सरकार द्वारा। अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ ही हफ्तों में एक आलिशान हॉस्पिटल चीन ने तैयार किया है जो कि काफी मजबूत बताया जा रहा है। दोस्तों, ये थे कुछ चीन के हैरान कर देने वाले तथ्य। आपको इनमें से चौंका देने वाली बात कौन सी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दें। आपको इंडिया में सबसे अच्छा हॉस्पिटल कौन सा लगता है
मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए हुए बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आप मेरे नए वीडियोस आसानी से देख सकें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।